hello everyone a warm welcome to all at our youtube channel csnsr this is nandita Nangya from csnsr and today we are going to discuss about the collapse of silicon valley bank signature bank hindenburg research report and auditor and for that i would like to welcome cip vivek khurana sir first of all sir a warm welcome to you at our youtube channel csnsr and thank you very much for giving us your valuable time

for such a warm welcome and my sincere thanks to team CS Sansar for giving me once again opportunity on your platform and you have rightly said recently two banks collapsed in the us us which are the largest economy in this world or pe though banks collapsed it's a very very big news and then about the hindenburg report and auditors that we will discuss so let me show you through the ppt and then we will discuss on the same i think now yes ppt is visible so two banks first is silicon valley bank and another one is signature bank both are collapsed so what's the reason before that one disclaimer is there all these are my personal views and can't be construed the views of the ICI, CSN, or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness. And uh, my request to all of you.

कि एक बैंक सेवेंथ मार्च तक जो खुद कह रहा था कि प्राउड टू बी द एनुअल रैंकिंग ऑफ अमेरिका बेस्ट बैंक कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक जो था कह रहे हैं अब इसको बैंक फ्रॉम द यूएस तो उसमें जो फोर्स ने रैंकिंग जो बहुत आ, फेमस आ, मैगजीन है और उसके ऊपर ऑनलाइन वगैरह वो रिसर्च करते रहते हैं तो उन्होंने भी इनको एनुअल रैंकिंग में बेस्ट बैंक ऑफ द अमेरिका दिया था एंड ऑन टेंथ मार्च मार्च जो इसके स्टॉक प्राइस डाउन हो गए और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट को इसको टेक ओवर करना पड़ा और उसके बाद क्या रीजन है तो एक बार इसकी हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं अगर आप इसको विकीपीडिया पे भी देखेंगे आप इसको सिलीकोन वैली बैंक तो ये बैंक जो था इट वॉज फॉर्म इन ए 1983 में फॉर्म हुआ था एंड जो इसका हेड ऑफिस है इट्स इन टू द कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और वहाँ पे सिलिकॉन वैली जहाँ पे जो मेजर आईटी कंपनीज है लाइक गूगल फेसबुक और जितने भी आईटीस कंपनीज हैं वहाँ पे इनके हेड ऑफिस हैं और इंडिया में भी बेंगलोर को भी हम कह देते हैं कि वो मिनी सिलिकॉन वैली है बट जो सिलिकॉन uh, वैली है तो दैट्स इन द कैलिफोर्निया यूएस तो इट वॉज फोन बाई जो ये वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट हैं वो सारी डिटेल्स है तो उन्होंने भी अभी विकीपीडिया ने सिलिकॉन वैली बैंक द दिक्सटींथ लार्जेस्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट एट इट्स फेलियर ऑन मार्च टेंटी ट्वेंटी तो इसके क्या रीजनस है उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री आपको भी अब आप काफी दे तो तो डू करते क्या है बैंक्स? मैं कई बार बता चुका हूं आपको भी कई बार मैंने बताया कि बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं डिपोजिट्स वो डिपोजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं और आगे उनको फर्दर लोन्स वगैरह देते हैं मीन्स इधर से लिया इधर आगे दे दिया तो जो डिपोजिट्स है वो काफी लो इंटरेस्ट रेट से मिल लेते हैं कि आप हमारे पास डिपॉजिट दीजिए और आगे जो इंटरेस्ट पे हायर इंटरेस्ट पे वो एडवांसिस या लोन देते हैं तो वो वो उसकी इनकम्स है दिस इज द मेजर रोल्स जो इनकम्स के बेसिस पे उसी के बेस पे बैंक्स रन करते हैं और बाकी जो उनकी कुछ और मनी समटाइम दे इन्वेस्ट उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पार्ट को वो अलग अलग है उनका पोर्टफोलियो की कहा इन्वेस्ट करना है कुछ वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि सिक्योर्ड रहे उनका तो ये सो so ट जब भी उनकी जरूरत हो बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिर कुछ म्यूचुअल कुछ पब्लिक कंपनी में अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं उसके लिए उनके पास दे है बिग टीम्स जो इसके बारे में डिस्कस करती है तो वेन सम फंड्स क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारे कस्टमर्स आएंगे कि मेरे को पैसा दो They need funds, तो, तो इसलिए कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट जो, जो है वो ऐसे बॉन्ड्स में होता है जिसको सेल करके पेड द कैश तो दिस इज द मॉडल ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री बट हमें समटाइम बहुत ईजी लगता है कि हाँ इट्स वेरी सिंपल हाँ यार क्या करना क्या बैंक में पैसा ही तो लेना है और आगे देना है बस लोन पे बट समाइम वट है हमारे जो डिसीजनस होते हैं वो रोंग डिसीजन हो जाते हैं कि भाई बार हम मनी किसी को ऐसे बंदों को दे देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल माल्या साहब को दे दिया वो चलेगी तो बैंक को लॉस हो गया या कई बार क्या होता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोंग डिसीजन हो जाते हैं हम किसी ऐसी कंपनी में दे, दे देते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं वो डाउन हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बैंक में क्या हुआ टेक या स्टार्टअप्स उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो दीज आर सम रोंग डिसीजन जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री को काफी लॉस होते हैं मतलब वो इतना इजी नहीं है, बैंक्स को रन करना आपको, आपको बोरवर्स नहीं मिलते लोन्स के लिए आपको अट्रैक्टिव स्कीम्स लेनी पड़ती है कई बार आपको डिपोजिटर्स नहीं मिलते इतने सारे बैंक है कॉम्प्लेक्स थिंग सिर्फ एक, एक लेन लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो व्हाट्स अबाउट द सिलीकोन वैली बैंक तो सिलिकॉन वैली बैंक्स के ऊपर जो क्यों कोलेप्स हुआ उसके कई रीजन्स हैं एक तो जो रीजंस कह रहे हैं जो वहां पे फेडरल बैंक है वो रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं अभी पिछले सम टाइम से हमारे आरबीआई ने भी काफी रेट्स इंक्रीज कर दिए तो फेडरल बैंक ने काफी रेट्स इंक्रीज कर दिए सेकेंड जो ये सिलिकॉन वैली बैंक था ये बेसिकली इट वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टार्टअप एंड द टेक कंपनीज एंड ऑल्सो विद द क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो तो में डील करते हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइस थे देन कुछ डिसीजन जो थे मैनेजमेंट के जो मैंने आपको बताया इट वॉज नॉट गुड तो देन अगर इसकी हिस्ट्री को देखें कि ये सिलिकॉन वैली बैंक जो मैंने आपको बताया इट वॉज फॉर्म इन 1983 तो फॉर्म किसने किया था कुछ हंड्रेड uh, के करीब इन्वेस्टर्स थे उसमें जो बैंक ऑफ अमेरिया से अमेरिका uh, से जो मैनेजर्स थे उन्होंने इसको फॉर्म किया था नाउ इज पार्ट ऑफ एस बी फाइनेंशियल ग्रुप्स एंड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन नाइनटीन एटी थ्री में फॉर्म हुआ एंड टू से

उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है दे स्लैश इट बहुत मींस अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर कर दी थी कि सो दैट पीपल कैन टेक द लोन और उसको इन्वेस्ट करें सो so दैट उसकी इकोनॉमी बूस्टअप हो उसमें एक सर्कल चले तो एट दैट टाइम इसका इफेक्ट जो पड़ा था इसका कि लोगों ने लोन तो लेना शुरू कर दिया वहीं से फेडरल बैंक से ही एंड दे स्टार्ट डिपोजिटिंग इन टू दिलीकोन वैली बैंक बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट चॉइस और लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बैंक को बोर नहीं मिल रहे थे सो इन 20 जो 2020 से 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं इस इट्स बूस्ट अप जो पहले अराउंड 62 बिलियन के अकॉर्डिंग uh, uh, मतलब थे इट्स बूस्ट टू द 190 बिलियन बट बैंक्स के पास बोरोवर्स नहीं थे जो बोरोवर्स से जो लोन्स से एडवांस बैंक्स ने दिया इट्स अप्रोक्सीमेटली 28 बिलियन टू 68 बिलियन बट आप देखो कितना बैंक्स है बैंक्स क्या करते हैं इधर से लेके इधर अगर वो बैंक अपने पास ही पैसा रख गया ही इज डू उसको तो इंटरेस्ट देना है तो कहां से लाएगा वो इंटरेस्ट तो दैट्स द मेजर इशू देन बैंक स्टार्ट इन्वेस्टिंग और उस टाइम ने जो थे गवर्नमेंट्स बॉन्ड वगैरह थे जो ट्रेजरी वगैरह में जिसमें बहुत ल, उस टाइम क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम था एट दैट टाइम दे इन्वेस्टेड और इंटरेस्ट रेट वो जगह अगर बाद में इन्वेस्ट करते तो हायर इंटरेस्ट मिलता बट एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट वॉज वेरी लेस्ट

उन्होंने लोस पे दे स्टार्ट सेलिंग बॉन्ड्स एंड द लोअर रेट्स तो फिर उनका जो लोस है रेट होता गया एंड एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को जो फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे हैव द डिपॉजिट अप्रोक्सीमेटली वन सेवेंटी फाइव बिलियन और उसमें से एटी नाइन परसेंट है इसके ऊपर भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा इंश्योर्ड एंड तो बेसिक रीजन फिर क्या हो गया जैसे विड्रॉ आपको को तो की पैसे नहीं आज बैंक में कल लेना so no, तो नहीं है कोई दो लाख पांच लाख कंपनीज के तो करोड़ में थे वहां पर तो जैसे ही कोई चाहता बैंक को सेल करता तो लॉस इंक्रीज एंड बैंक सो अगर आप इसका चार्ट देखो द चार्ट शेयर प्राइस डॉलर जो इसका शेयर प्राइस ऑन थर्ड नवंबर थ्री परसेंट अप्रोक्सीमेटली डाउन हो गया 63 और अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपके जो डिपोजिटर्स हैं या एडवांस जिसको दिया हुआ है वट अबाउट द इन्वेस्टर्स जिसने अगर फाइव हंड्रेड डॉलर या सिक्स हंड्रेड डॉलर सेवन हंड्रेड डॉलर में दिया वो तो निल हो गए उसके प्राइस अभी क्या होता है वो आगे यूएस गवर्नमेंट विल डिसाइड तो व्हाट अबाउट द हुआ इन्वेस्टर्स को भी उसके ऊपर अभी हम कोई डिस्कस नहीं करते कि इन्वेस्टर्स को कितना लॉस हुआ एंड देन जो मैं अभी आपको बता रहा था फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे हमारे इंडिया में है कि पहले हमारा था कि आप बैंक में कुछ डिपोजिट्स है किसी भी बैंक में

विल पे ओनली 2.5 पॉइंट फाइव डॉलर जो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट तो या बड़ी उनके मेजर डिपोजिट है इवन जो क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया किन्ेंसी दे तो फॉर्म है उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि उनके अराउंड थ्री पॉइंट थ्री बिलियन ऑफ इट्स फोर्टी बिलियन ऑफ यूएस डॉलर रिजर्व लेंडर सिलिकॉन वैली बैंक तो कंपनी ने एक ट्वीट किया था तो so, अभी जो पीछे क्या था फेडरल जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन है इन्होंने एक न्यू नेम दे दिया इसका नेशनल बैंक ऑफ सेंटर सेंटर क्लारा टू होल्ड द डिपोजिट एंड द तो अब वो डिस्कस कर रहे जैसे अभी न्यूज आ रही थी कि अब भी एट दिस टाइम नो बोडी विलेज दिट सब इसका देखेंगे क्या वैल्यूएशन है क्या नहीं इवन एलन मस्क ने भी कहा कि आई विल परचेज इट इवन इन द यूके यूके जो इनकी कुछ ऑपरेशंस uh, हैं उसको वहां पे किसी ने एचएसबीसी ने परचेज किया 1 पाउंड के अप्रोक्सीमेटली दे वर सेइंग कि वो उसका पूरा वैल्यूएशन क्या डिपॉजिट्स हैं क्या एडवांसेस हैं सो दैट वाज द रीजन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक एंड इमीडिएटली इमीडिएटली आफ्टर विद इन अ वीक एक और बैंक मतलब दिस इज द हिस्ट्री 2008 के बाद दो बैंक्स एक साथ कोलैप्स हो गए दिस इज द सिग्नेचर बैंक कोलैप्स बट वो इतना बड़ा बैंक नहीं है जितना सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली बैंक आई टोल्ड यू इट इज द सिक्स्थ मोस्ट सबसे लार्जेस्ट बैंक था बट ये सिग्नेचर बैंक इट वाज नॉट सो हाई बट इट्स द बिग इशू तो इसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जो बाइडन उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री सेफ है उसमें कोई इश्यूज नहीं है लेट्स सी कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सो so, ये जो बैंक था दिस वॉज फॉर्मड इन द टू और ये भी दिस वॉज ये तो सबसे ज्यादा करेंसी जो प्लेयर्स थे उनके साथ डील कर रहा था सबसे ज्यादा तो पीछे जो हमने देखा कि बिटकॉइन कितने कितने से कितने आ वो भी एक मेजर इश्यूज है सबसे क्रिप्टोकर तो तो बट जब ये मार्केट डाउन कर रही है तो उसके बाद वेन्स डिपॉजिटर्स मनी आपसे मांगेंगे यू हैव टू गिव यू हैव टू लोज देम तो उसकी वजह से सिग्नेचर बैंक्स भी कोलेप्स करके तो अभी जो न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑन संडे उन्होंने इसको भी क्लोज कर दिया और इसकी भी जो डिपॉजिट्स हैं दिस इज टोटल अराउंड 89.7 बिलियन और इसकी जो एसेट्स बता रहे हैं 110.36 बिलियन इन एसेट्स जो इनके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट यू, जो कोलैप्स ऑफ द बैंक्स है इन द यूएस बैंकिंग हिस्ट्री सो so, दीज़ टू इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप के ऊपर टेक कंपनी के ऊपर क्योंकि फ्रॉम लास्ट टू डेज से आ, हमारी जो सेंस है सेंसेक्स है इट्स गोइंग डाउन निफ्टी भी सेंसेक्स भी दोनों डाउन है बट येस इंडियन मार्केट हम लोग कहीं भी नहीं जो हमारे बैंक्स हैं क्रिप्टोज के साथ डील्स नहीं करते तो अब मैं एक बार आता हूँ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट मैं रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करता मैं सिर्फ जो उस रिपोर्ट में मेंशन था इसके ऊपर हमने ऑलरेडी भी वीडियो बनाया था कि ऑडिटर्स के ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स किए थे तो उससे काफी पेन हुआ था कि आपने जो एक ऑडिटर्स के ऊपर रिमार्क किया कि आपकी ऑडिटर फर्म जो अडानी ग्रुप्स की थी मैं अगेन आई एम सेइंग वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद अडानी ग्रुप कि वो उसके लिए से बी या सुप्रीम कोर्ट भी वो उनके ऊपर कर रहे हैं हम नहीं डिस्कस कर रहे वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑन द ऑडिटर्स पार्ट जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेंशन था कि ऑडिट फर्म का साइज कैसा है वो छोटा सा साइज है या उनका ईयर मतलब उनकी एग्जिस्टेंस कितने साल से है पांच छह से है या चार पार्टनर्स हैं या एज ऑफ पार्टनर्स रिसर्च से कोई पूछे उनसे वट अबाउट द सिलीकोन वैली बैंक इसके ऑडिटर्स तो बिग फोर हैं और बिग फोर तो पता है वर्ल्ड वाइड उनके कितने पार्टनर्स हैं कितने ईयर से दे आर इनटू टू क्या एक्सपीरियंस है कितना स्टाफ है आपने रिसर्च नहीं करी वो एकदम से कोलेप्स हो गया वेयर आर यूर रिसर्च तो वही कहते हैं ना हिंडन बर्ग्स में ऑडिटर्स के ऊपर अगर आप एक उंगली उठाते हैं चार उंगली आपकी साइड से तो आपको एक बार वहां भी चेक करना चाहिए बिग फोर से भी पूछना चाहिए इसकी भी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या रीजन है सिलिकॉन वैली बैंक और ये yes, uh, जो आपका सिग्नेचर बैंक वो लैब्स है तो आई होप अगर कोई इंडियन बैंक रिसर्च रिपोर्ट से देखे तो यू शुड आंसर ऑन दिस एंड देन सेकंड इंडियन बैंक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री स्टेटमेंट दी है दे आर वेरी सेफ बट ये एक इशू हुआ था अबाउट द यस बैंक वो काफी पुराना है हमारे में ऐसे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है रिगार्डिंग द बैंकिंग इंडस्ट्रीज ये यस yes जो हुआ था इन 2020 में एट दैट टाइम टाइम वो काफी सारे इनके बैड लोन्स थे और उस फिर आरबीआई ने पूरी टीम चेंज कर दी मैनेजमेंट्स को कुछ मोरिटोरियम कर दिया तो दैट्स इन टू कंट्रोल बट यस वन थिंग आई वॉन्ट टू से जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें वी ऑल अवेयर अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक और कुछ रूरल्स एंड अदर्स बैंक हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो इतने सेफ है मेरे को जो लगता है दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री के पीछे जो ऑडिटर्स हैं बैकबोन्स हैं जो वो ऑडिट करवा रहे हैं रेगुलरली स्टेशनरी एंड द कंकरेंट ऑडिट दिस इज मेन कहते हैं जो एक्सपोर्ट है उस बैंकिंग इंडस्ट्री को लोग कुछ भी कहें कि मेंबर्स काम नहीं करते आर डूइंग वेरी वेल वी प्रोफेशनल आर सपोर्टिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री सो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो आपके स्टेच ऑडिट है कंट्रंट ऑडिट है थ्रू द आरबीआई बट प्राइवेट सेक्टर में उसमें जैसे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके एटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट ब्रांचेस के ऑडिट हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो आपके सिर्फ दो या चार ऑडिटर्स हैं मैक्सिमम और वही ऑडिट कर रहे हैं तो माई रिक्वेस्ट टू अवर लीडर्स अवर काउंसिल मेंबर्स

अपनी मर्जी से ही ऑडिटर से कर रहे हैं सेवर्मेंट आरबीआई पब्लिक बैंक है, है प्राइवेट बैंक है रूरल बैंक है कोई भी बैंक है उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए ब्रांच शुड बी ऑडिटेड दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड आई होप बैंक विल टेक केयर ऑफ इट

जो ऑडिटर्स तो आई होप जो आपके क्वेश्चन थे क्या रीजंस था यू गॉट द आंसर इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद मी थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड आई होप दैट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द यूजर्स एंड फॉर एस सर सेड दैट for any type of query you can mention them on the comment section we will reply you as soon as it will be possible and i would like to request that please like the video share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it thank you so much thank you very much bye bye and take care